मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के 117 साल पुराने व्यापार मेला में हर साल लगने वाले ऑटोमोबाइल सेक्टर को मिली हरी झंडी को परिवहन विभाग द्वारा आरटीओ टैक्स में 50% छूट का आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि ग्वालियर व्यापार मेले का शुभारंभ 25 दिसंबर को होना था, लेकिन परिवहन विभाग ने आरटीओ टैक्स में 50% छूट का आदेश लेट होने के कारण मेला संभवत जनवरी से शुरू हो पाएगा। वही ग्वालियर मेला प्राधिकरण से महेंद्र भटकारिया ने परिवहन विभाग ने आरटीओ टैक्स में 50% छूट का आदेश के लिए सभी का आभार व्यक्त किया है। यो भी जो भी कोरोना के नाम पर दुकानें लगी हुई पर हटा दिया भगा दिया, इस वर्ष किसी व्यापारी के साथ ना ऐसा हो। अगर ऐसा होता है तो व्यापारी कटोरा होता है ना, जैसे भीख मांगने की स्थिति, वो स्थिति हो जाएगी। इसलिए हमारा प्रशासन से और सबसे ये नम्र निवेदन है, अनुरोध है, बिल्कुल उनको कोटि कोटि साधुवाद दूंगा मैं बाबा चलनाथ की कृपा से, कि सब व्यापारियों के हित में सब काम करें और इससे व्यापार भी चलते रहे और सब व्यवस्थाएं यथावत होती रहे। परिवहन विभाग का गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया है और उस गजट नोटिफिकेशन के अनुसार जो भी जीवन संध्या का जो शुल्क लगता है उनका रोड टैक्स लगती है, उस रोड टैक्स पर 50% छूट का गजट नोटिफिकेशन शासन द्वारा जारी कर दिया गया है जो मेला अवधि के लिए प्रभावशील रहेगा। मेला अवधि 25 दिसंबर से शुरू हो जाएगा और वर्तमान में 7 फरवरी तक के लिए ये रहेगा, और यदि आगे मेले की डेट बढ़ेगी तो उस हिसाब से वो आगे भी जाएगा।